इस साल सोशल मीडिया के दो सुपरहिट ड्रामे हुए जो रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान की सीमा हैदर और उसके नोएडा वाले पति सचिन की कहानी, और दूसरी अंजू की जो प्यार में कर गई सरहद पार, घर परिवार ससुराल सब कुछ बदल डाला और बन गई फातिमा। नमस्कार, स्पेशल एडिशन के साथ मैं नेहा दुबे। आज कहानी फातिमा की, जो पहले अंजू थी और जो घर छोड़कर भाग गई थी और अब फिर से उसी घर को लौट रही है जिसे उसने ठुकराया था। लौट के अंजू घर को आई, फेसबुक वाले प्यार में सीमा पार पाकिस्तान गई अंजू ने बेशक अपनी जिंदगी पाकिस्तान में बसा ली, घर परिवार ससुराल सब कुछ बदल लिया, लेकिन पुरानी जिंदगी वो भूल नहीं पाई है। अंजू को अपने बच्चों की याद सता रही है और अब जब प्यार का खुमार बाढ़ के पानी की तरह उतार पर है तो अंजू कुछ दिन के लिए वापस इंडिया आने की तैयारी में है। पाकिस्तान में उसके पति नसरुल्ला ने ये खुलासा किया और इसके साथ ही कई सवाल हैं जो कुलबुलाने लगे हैं। दरअसल अंजू की कहानी तब सामने आई थी जब पाकिस्तान से पबजी वाले प्यार में पगलाई चार बच्चों की अम्मा अपने प्रेमी सचिन के साथ रहने के लिए नोएडा आ गई थी। सरहद के आर पार भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में पहली बार तकरार का मुद्दा जंग नहीं प्यार बन गया। वैसे अंजू हो या सीमा हैदर, दोनों की कहानियों में कई कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी सामने आई, लेकिन ये सब अभी तक महज अटकलें साबित हो सकी। और अब अंजू के पाकिस्तानी पति नसरुल्ला ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि अंजू कुछ दिन के लिए इंडिया लौटेगी और फिर पाकिस्तान जाएगी। नसरुल्ला के मुताबिक अंजू भारत वापस लौटने के लिए तैयारी कर रही है और इसके लिए जरूरी कागजी कार्रवाई की जा रही है। अंजू भारत में अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान गई थी। राजस्थान में अपने पति और ससुराल के लोगों को उसने सहेली से मिलने की बात कही थी और फिर पाकिस्तान चली गई। वहां से अंजू ने वीडियो कॉल के जरिए जब धमाका किया कि वो अब भारत नहीं लौटेगी तो तहलका मच गया था। सवाल उठने लगे थे कि क्या अंजू कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की जासूस तो नहीं है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच पाकिस्तान ने अगस्त में जून का वीजा एक साल के लिए बढ़ा दिया था। इस्लाम धर्म अपनाने और नसरुल्ला से शादी के बाद अंजू ने नाम बदलकर फातिमा कर लिया है। इस्लाम अपनाने के बाद उसे पाकिस्तान में कारोबारियों की ओर से फ्लैट और प्लॉट भी तोहफे में मिले थे। अंजू और नसरुल्ला ने सोशल मीडिया पर एक रोमांटिक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें दोनों नाचते गाते नजर आ रहे थे। निकाह के बाद अंजू ने दावा किया था कि वो अब भारत नहीं लौटेगी और पाकिस्तान में खुश है। लेकिन सवाल है कि इस दावे के बाद और इतनी फजीहत होने के बाद अंजू भारत लौटने का सोच भी सकती है, और आखिर कैसे और क्यों? इस सवाल का जवाब देने से पहले अंजू और नसरुल्ला के फेसबुकिया प्यार और फिर ने कहा कि वो कहानी जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चर्चा का मुद्दा बन गई थी। अंजू और नसरुल्ला की कहानी मोहब्बत की सीधी सादी फेसबुकिया कहानी है या इसके पीछे गहरी साजिश? दो बच्चों की माँ जिसकी 16 साल पहले शादी हो चुकी है, वो सोशल मीडिया पर दोस्ती वाले शख्स से प्यार में इस कदर गिरफ्तार हो जाए कि घर बदल ले, परिवार बदल ले, देश बदल ले, पति बदल ले, धर्म बदल ले और नाम भी बदल ले, तो जाहिर है सवाल उठेंगे ही। सवाल ये है कि अंजू की कहानी क्या महज उतनी भर है जितनी टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है, या फिर इसके पीछे एक स्याह सच है, एक राज है जो पाकिस्तान को बेनकाब कर देगा? अगर सच सामने आया तो पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI की भारत विरोधी चाल की पोल एक बार फिर खुल जाएगी। ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जो हर भारतीय के दिलो दिमाग में आज भी गोंद रहे हैं, क्योंकि अंजू के भारत आने की चर्चा जोरों पर है।
राजस्थान के भिवाड़ी से यूपी में अंजू के ससुराल और फिर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा यानी अंजू की नई ससुराल में तहकीकात करने पर ऐसे कई खुलासे हुए जो अंजू की कहानी से मेल नहीं खाते। भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू और नसरुल्ला की प्रेम कहानी और फिर निकाह मामले में हर पल नया मोड़ आ रहा है। इससे पहले भी जब अंजू पाकिस्तान गई थी तब वहां की मीडिया ने भी सवाल किए थे। पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार असद अली तूर ने अंजू नसरुल्ला मामले पर सवाल उठाए थे। ये सवाल अंजू और नसरुल्ला के प्री वेडिंग शूट से उठे थे। नसरुल्ला जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है उसकी आर्थिक हैसियत इतनी नहीं थी कि वो ऐसी फिल्मी वेडिंग शूट करा सकता था। यानी कुल मिलाकर खेल ये लगने लगा कि अंजू नसरुल्ला के मामले में पर्दे के पीछे से कमान ISI के पास है। पाकिस्तान जाकर नई गृहस्थी बसाने से पहले अंजू राजस्थान में अपने पहले पति और दो बच्चों के साथ रहती थी। इंडस्ट्री और कल कारखानों के लिए जाना जाता है भिवाड़ी, दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर। वही तिजारा मेगा हाईवे पर 13 एलिगेंस हाउसिंग सोसाइटी में अंजू पति और बच्चों के साथ रहती थी। 16 साल पहले अंजू की अरविंद से शादी हुई थी। अंजू की बेवफाई से सबसे ज्यादा सख्ते में उसके पहले पति अरविंद थे। बिटिया भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। अंजू की पुरानी ससुराल के लोग भी बहुरानी की इस करतूत से शर्मसार हो गए थे। मोहब्बत में नर्म होने वाले अपनों के लिए इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? ये सोचना भी मुश्किल था। अंजू के ससुराल यूपी में बलिया के गांव खुरपुरा में है। ससुराल में अंजू के पहले पति की चाची और देवर रहते हैं। अंजू की एक हरकत में सब कुछ चौपट हो गया। खैर, अब लेटेस्ट ये है कि जिस बेटे और बेटी को छोड़कर अंजू प्यार में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान फरार हो गई थी, अब उन्हीं से मिलने के लिए वो इंडिया लौट रही है। अंजू के इस लेटेस्ट ड्रामे का मकसद क्या है, या तो वही जाने या फिर ऊपर वाला। स्पेशल एडिशन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे विधानसभा चुनाव का अखाड़ा MP की राजधानी भोपाल से। आप बने रहिए हमारे साथ।